नहीं, देखा पूरा देखा। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। सबसे ईमानदार नेता। सबसे ईमानदार नेता आई थिंक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ईमानदार लाइक एज इन हाउ? मोस्ट ऑनेस्ट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हाँ, फिल्म हिट होनी चाहिए मेरी, तब मैं सोचूं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपकी फिल्म के टॉपिक इंदिरा गांधी, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल होंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। ऑलराइट, पहला सवाल, इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी? आपको इमरजेंसी देखनी पड़ेगी उसके लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ओके, क्या प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक है? बिल्कुल भी नहीं। शिट। इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय क्यों हुई थी? She was guided by her emotions, जो कि उसके अगेंस्ट भी वर्क किया, उसके उसके लिए भी वर्क किया। अरे बेटे, क्या भिंडरा वाले आतंकी था? आप इमरजेंसी देखिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था? अरे यार, आप इमरजेंसी देखिए ना, आप तो मतलब आप फिल्म ही नहीं देखना चाह रहे हैं। सही पकड़े हैं। सबसे पहले आपको यही मैं बता दूं सारे सीन्स। ये सब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आई हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम एड्रेसिंग दिस इन माय फिल्म। ये समस्या है रे, क्या बोलने का? ओके, या बट मुझे नहीं लगता कि मैं फिल्म यहाँ पे एक्सपोज करूँ। ओके, राहुल गांधी कभी इंदिरा गांधी जैसे लोकप्रिय हो पाएंगे? नहीं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा कौन सा नेता है देश में? इंदिरा गांधी। सबसे बड़ा तानाशाह नेता कौन है? इंदिरा गांधी। साहब चंगासी। और संजय गांधी। इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने सही किया या गलत? यार ये तो बाप, फिल्म तो फिल्म देखने का इरादा है कि नहीं? नहीं। देश के निर्माण में नेहरू जी का योगदान कितना मानती है? नेहरू जी का योगदान वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मिनिस्क्यूल, 17 साल रहे वो। कहते हैं कि उस समय बड़ा डिफिकल्ट था आजादी के बाद देश को संभालना और उसको बनाना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं, आप अगर मुझे अपने वो थोपना चाहेंगे तो फिर मेरे तथ्य नहीं जान पाएंगे। आज हमने 10 सालों में जितनी तरक्की की है हर एस्पेक्ट में, अगर यही तरक्की उस टाइम पे मिली उन क्रूशियल 17 इयर्स में तो क्या होता, सोचिए खुद ही। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ओके, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी तो प्रधानमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री है वही बनेंगे। मोदी के बाद कौन? देखेंगे, सब देखेंगे। बस हवा निकल गई। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? विपक्ष कहता है देश जो है वो आप हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं देख सकते। देश जो है एक One eternity later. जैसे अटल जी ने कहा है, ये देश है वो जीता जागता एक युग पुरुष है ना, ये देश जो है हमारा ये एक है। और हमारा देश जो है इस वक्त जितना हमारे बॉर्डर्स के हिसाब से, सेना बलों के हिसाब से, जितना सशक्त अभी है उतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या मैं क्या बोला तूने? जितना सशक्त अभी है उतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?